जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं ना? देखिए, आप डेली क्या करिए, पढ़ा कीजिए, और आप लोग चैनल को थोड़ा विस्तार भी करिए। कॉल आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो चैनल, जितने भी नए लोग हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें। तो चलिए, हम संविधान का एक क्लास हमारा है, और संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3। अब भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार, या जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, कल मैंने एक लिखवाया था स्वतंत्रता का अधिकार में, उसमें कुछ सुधार कर लेना। जो अनुच्छेद 19 लिखवाया था ना, अनुच्छेद 19, उसमें अनुच्छेद 19 में जो मैंने फर्स्ट लिखवाया था ना, उसको ए कर लेना। यानी कि इस तरह 19 फर्स्ट का ए। इसमें मैंने बताया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको थोड़ा संशोधन कर लेना दोस्तों। मैंने ये लिखवाया था, आपको याद होगा आपको, कि उसमें देखे कि मैंने ये लिखवाया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर दूसरा मैंने आपको लिखवाया था, याद होगा आपका, 19-2 में। तो 19-2 न करके 1-B कर लेना दोस्तों से। और उसमें मैंने लिखवाया था कि अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांति पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, इस तरह लिख लेना। फिर मैंने 19 आपका सेकेंड सी था, तो उसमें मैंने बताया था क्या, 19 सी में जो था, आप संघ एवं समुदाय, जिसे सभा बोलते हैं, मैंने लिखवाया था समुदाय। तो यहां पर चेंज कर लेना दोस्तों, यहां पे 1 सी कर लेना, समुदाय एवं संघ बनाने या निर्माण की स्वतंत्रता, संघ समुदाय एवं संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, फिर आपको 19 फर्स्ट D कर लेना उसे। और 19 D में जो है, 19 D में था कि समुदाय अबाध रूप से या अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण, अबाध का मतलब होता है संपूर्ण, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी घूम सकते हैं, स्वतंत्रता है। फिर आपको 19-1E कर लेना दोस्तों से। और 19-E में मैंने बताया था कि अबाध निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इतना मैंने आपको लिखवाया था स्वतंत्रता। फिर 19-1F जो होता है, इसमें संपत्ति वाला था, संपत्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप चाहे जितनी स्वतंत्रता यानी संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब समाप्त कर दिया गया। अब एक 19 अब क्या है, ई अब के बाद जी। ये दोस्तों मैंने बताया था कि क्या वृत्ति या उपजीविका, उपजीविका या और कारोबार लिख लीजिए, कारोबार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये थोड़ा संशोधन कर लेना दोस्तों, मैंने कल इसको लिखवा दिया था आपका, मैंने उसका सीरियल नंबर लिखवाना था, लेकिन मैंने 1, 2, 3 क्या कर दिया, 19 के साथ लिखवाया था। आपका अनुच्छेद ये याद करना, ठीक है? ये आपको मैंने बता दिया था 19-6, ये आपका क्लियर है। चलिए, आज हमें जो पढ़ना है, अनुच्छेद कौन से कब तक पढ़ना है बताइए, अनुच्छेद कौन से कौन पढ़ना है? आज हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए ये देखिए, देखिए हम दोस्तों, जो हमारा अगला पढ़ेंगे हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार में होता क्या है, जो अनुच्छेद हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में क्या वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद में किया गया कि मानव दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध। मतलब निषेध का मतलब ये होता है कि हम करना क्या है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध जो उसे क्या करना है, रोकना है। तो दुर्व्यवहार में क्या आता है, दुर्व्यवहार में आपका देखे होंगे कि हम क्या करते हैं किसी के साथ दुर्व्यवहार, यानी कि इसमें आपके जब मानव दुर्व्यवहार में जब हम किसी को क्या करते हैं, एक प्रकार से इसकी बिक्री देखिए, मानव की पुरुष एवं स्त्री की बिक्री भी इसी में आती है, यानी कि बिक्री मतलब बेचना, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति और मानव की क्या करना, अवहेलना करना, मानव की अवहेलना करना। ये क्या है, अवहेलना मतलब कि मानव के साथ दुर्व्यवहार करना, और बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, किसी से हमने काम करवाया जोर पूर्वक, यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक काम करवाना और मजदूरी ना देना, और मजदूरी ना देना। ध्यान से समझना, इसमें यह हुआ कि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध का वर्णन है। इसमें यह कहा गया कि जो महिलाओं के साथ क्या किया जाता है या पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर रोक लगनी चाहिए। और लोग करते क्या, एक बंधुआ मजदूर देखे होंगे, बंधुआ मजदूर बलात्श्रम मतलब क्या होता है, पहले जमाने बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, तो बंधुआ मजदूर को भी बलात्श्रम के द्वारा ही रखा गया। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें करते क्या थे लोग, जैसे बलपूर्वक काम करवाते थे और मजदूरी नहीं देते थे। तो इसमें कहा गया कि नहीं, आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उसके क्या हो, यानी भावनाओं को ठेस पहुंचे, आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। यानी कि आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं क्या किया गया है, बलात्श्रम पर निषेध का वर्णन किया गया। अब इसके बाद जो आपका आता है अनुच्छेद क्या, 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में कहा गया कि किसी बालक को क्या कर सकते हैं, कारखानों में, रेस्टोरेंट में, होटल पर, चाहे कहीं भी जो किशोर बालक हैं उनको क्या कर सकते हैं आप, उसको काम पर नहीं लगा सकते। यानी कि इसमें दिया गया है कि बालकों को, बालकों यथार्थ या किशोरों को, किशोरों को कारखानों, होटलों, दुकानों एवं सार्वजनिक, सार्वजनिक कामों में निषेध। यानी कि जो हमारे बालक होंगे, बालक और किशोर, बालक का मतलब जो 6 से 14 वर्ष हो, और किशोर देखिए बालक को हम उनमें गिनते हैं, बालक को गिनते हैं जो 6 से क्या हो, 14 वर्ष तक, और किशोर उनको गिनेंगे 14 से 18 वर्ष तक। मतलब कह रहा है कि जो बालक और किशोर हैं इनको कारखानों, होटलों, दुकानों एवं सार्वजनिक कामों में निषेध अर्थात मनाही है, अर्थात ऐसे बालकों के जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, उनको हम जोर जबरदस्ती कर काम नहीं करवा सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों, इतना बात समझ में। अगर एग्जाम में आपको आता है कि होटलों को जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता है, तो आप बताइए क्या कहेंगे दोस्तों, कि उनके क्या है अनुच्छेद 24 के तहत उनको क्या किया जाएगा, होटलों यानी कि उनको अनुच्छेद 24 के तहत मनाही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
चलिए देखते हैं आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए दोस्तों जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला हमने क्या पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें कहा क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में होता क्या है कि अनुच्छेद 25 से 28 होता है, अनुच्छेद 25 में कहा गया कि जो हमारा अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब ये होता है कि आपको क्या सार्वजनिक व्यवस्था में आपको आने जाने का समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं है कि क्या है कि अगर ये मंदिर है तो अन्य लोग आएंगे अन्य लोग जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी को भी अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म में व्यवस्था करने का अधिकार है, अवसर समान है। यानी कि अगर हिंदू का है तो हर एक प्रकार से कोई भी जाति के लोग हर एक हिंदू उसमें मंदिर में जा सकता है, उसे अब कोई रोक टोक नहीं होगी। अनुच्छेद 26 में क्या करता है, अनुच्छेद 26 में कहता है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता में यानी प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई धार्मिक जैसा कार्य करते हैं, धार्मिक मतलब कोई भी रिलेटेड, हिंदू का हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम सिख का सिख सिख ईसाई का ईसाई, अगर हिंदू है तो उसे अपनी अचल संपत्ति जितनी भी है वो अपने धार्मिक कार्य में लगा सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं है। अगर वो चाहे तो अपना स्वयं का एक क्या करे पंडाल तैयार करे अपने धर्म से रिलेटेड, और क्या करे उसको भी क्या करे वो स्वयमित्व का अधिकार बना सकते हैं, यानी अपना अधिकार उस पर बनाकर वो क्या कर सकता हवन करा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता क्या अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 का कहता है कि अगर धार्मिक कर में वो कितना भी क्या करे धन दे तो उस पर 1% भी कर नहीं लगेगा, अर्थात उसे छूट दी जाएगी अपने धार्मिक कार्य में। यानी कि धार्मिक कार्य में वो कितना भी आपको संपत्ति देता है तो उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा, उसे छूट है। यानी फिर आपका अनुच्छेद 28 आता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है आपका कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अगर क्या किया जाता है धार्मिक है। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि अगर विद्यालय है तो उसमें अगर धार्मिक के रिलेटेड अगर हिंदू का है तो हिंदू को अपनी शिक्षा दे सकता है, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है, या तो दे या न दे। ठीक है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, वो उस विद्यालय शिक्षण संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो दोस्तों आवाज क्लियर है ना, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक व्यवस्था किसमें धार्मिक कार्य में, धार्मिक कार्य में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था धार्मिक कार्य में करने की स्वतंत्रता, चाहे तो कुछ भी कर सकता है स्वतंत्रता, समान अवसर की स्वतंत्रता, मतलब समान रूप से वो क्या कर सकता है समान रूप से समान अवसर से मंदिर में क्या कर सकता है प्रवेश कर सकता है। अगर मंदिर है हिंदू का है तो वो हिंदू कर, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसमें अगर कोई अमीर है तो स्वयं अमीर व्यक्ति स्वयं धार्मिक कार्यों का कार्यों का प्रबंध कर सकता है, क्या कर सकता है प्रबंध कर सकता है, अर्थात वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो वो अपने धार्मिक कार्यों क्या कर सकता है प्रबंध कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदाकारी पर छूट, मतलब एक निश्चित ऐसा धन होगा कि जब वो क्या करेगा धन देगा मंदिर पर, यानी कि दान देते हैं लोग देखते हैं, और दान देने के बाद क्या करता है किसी ट्रस्ट में क्या करते हैं दान देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी धार्मिक व्यय में दान करने के लिए देता है तो उस पर 1% भी कर नहीं लगेगा, अर्थात उसे छूट दी जाएगी। यानी कोई दे सकता है जितना उसका मान है, वो क्या कर सकता है अपने चल संपत्ति को ही पूरी क्यों न दे दे, उसे एकदम स्वतंत्रता किसमें धार्मिक व्यापार, और उस पर 1% भी आपका क्या होगा करने लगेगा अर्थात छूट होगा। फिर क्या शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की क्षमता, मतलब अगर शिक्षा धार्मिक के रूप में दी जा रही है तो आप चाहे तो ग्रहण करिए चाहे मत ग्रहण करिए, इसमें कोई भी आपको रोकने टोकने की कोई चिंता नहीं, यानी कि आपको कोई भी रोके टोके गा नहीं। बात समझ में आई, 25 से हमने 28 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या ध्यान से देखना दोस्तों, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे
शिक्षा व संस्कृति पर आधारित, अशिक्षा व संस्कृति पर आधारित क्या होता है, हम जानते हैं कि 29 से 30 होता है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, इसमें 29-30 में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मैंने बताया था कि 6 लोगों को कहा गया है, और वो अल्पसंख्यक कौन कौन है देखना है। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन कौन हो जाएंगे, अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यकों के बारे में वर्णन, बारे में वर्णन है इसमें, किसमें, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक होते कौन है, देखो जैसे मुस्लिम है हमारे देश में, फिर कौन हो गए, मुस्लिम, सिख हो गए, ईसाई हो गए, फिर जैन हो गए, बौद्ध हो गए, और पारसी हो गए। ये हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म है, और अल्पसंख्यकों के बारे में इसमें कहा गया है अनुच्छेद 29 में कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि हिंदू तो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें नागरिक के रूप में आ गया कि नहीं। ये क्या करते हैं, सभी लोग को अपनी धर्म, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 30 में क्या है कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग कौन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, संस्था खोल सकते हैं, मतलब विद्यालय खोल सकते हैं, ट्रस्ट खोल सकते हैं, धार्मिक समुदाय बना सकते हैं, विद्यालय बना सकते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या करना है, इसमें छूट दी गई कि शैक्षणिक संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जिसका रूप देख रहे हो कि नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, मदरसा चल रहे हैं। यानी कि क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं क्या होता है, कॉलेज बनाकर यानी कि अपनी शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं, सिख अलग बनाते हैं, ईसाई अलग बनाकर देख रहे हैं कि ट्रस्ट बनाकर आपका क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और या मुस्लिम देख ही रहे हैं कि एक अलग तरीके से, क्या JNU को देख लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहां पर भी क्या कर रहे हैं, इन लोग को समझाए। यानी कि इसमें ये छूट दी गई है अनुच्छेद 30 में कि शैक्षिक रूप से विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था, ट्रस्ट, धार्मिक समुदाय खोल कर वह और उस पर अधिकार करने का अधिकार इनको प्राप्त किया दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि अल्पसंख्यकों के बारे में किस में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 30 में, और इनके कार्यों का वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 30, अरे देखिए सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। और मैंने बताया कि भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, और इसको, इन सभी 6 को क्या है कि अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक अर्थात प्रत्येक नागरिक को विद्यालय खोलने अर्थात क्या शैक्षिक संस्था की स्थापना करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त कराया गया। बात समझ में आई दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 31। 31 के बारे में बता दिया, संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको कई बार बताया है कि अनुच्छेद 31 अभी जस्ट पीछे क्लास में अनुच्छेद 31 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात संपत्ति का जो अधिकार मानव को दिया जाता था, यानी कि देखते थे पहले लोग को बहुत सारी जमीनें थी, लेकिन अब क्या क्या दिया गया, जमीन तो नहीं के, लेकिन सरकार ने कर लगा दिया कि इतने जमीन जिसकी रहेगी उस पर क्या होगा, उसको कर देना पड़ेगा। अर्थात जो जमीन से संबंधित या संपत्ति से अधिकार संबंधित उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपसे पूछता है तो आप ये बात याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 330 में जोड़ा गया है, जो एक कानूनी अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और अगला हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे हम, और अनुच्छेद 32 क्या है,
अनुच्छेद 32 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है, आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश से करेंगे कि आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है, इसे हम लोग करेंगे क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है दोस्तों, इसको कहते क्या है। इसमें हुआ क्या कि संविधान को बारे में, संविधान का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 को कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय तथा आत्मा है। ये बात किसने कहा, डॉक्टर भीमराव ने कहा कि अनुच्छेद 32 जो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। और इसी में ठाकुर दास भार्गव ने कहा जो अनुच्छेद 32 है, भाव ने कहा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ये दोनों ने क्या कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात संवैधानिक मतलब संविधान रूप से, यानी कि कानूनी रूप से, जो कानूनी रूप से है, यानी कि इसमें मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके संबंध में देखना, मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी की जाती है। रिट का मतलब या 4-5 मौलिक अधिकार लिख सकते हैं आप, 4 रिट जारी होती हैं। अब कौन कौन होती हैं दोस्तों, आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिट है। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद है 32 में हमने ये पढ़ा, लेकिन देखिए एक चीज अभी मैंने बताया, तो अनुच्छेद एक होता है 32 फर्स्ट, जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट मतलब SC, मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और देखिएगा, अभी एक बयान आया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट में क्या कर दूंगा, मानहानि का केस कर दूंगा। तो आप ध्यान रखना, जो मानहानि का केस दर्ज होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। कहां पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसकी याचिका जारी कर सकते हैं, जारी याचिका दे सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं, ध्यान देना, आपसे पूछ देगा कि मानहानि का केस किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा जाता है, तो अनुच्छेद 32 फर्स्ट के अनुसार, अर्थात मानहानि का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है, या सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि मानहानि का केस किस कोर्ट में दायर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना। जो अनुच्छेद 32 है, मैं इसी को बताना चाह रहा था, अनुच्छेद 32 तो इसमें याचिकाएं कितने प्रकार की होती हैं,
तो जो मालिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में पांच याचिका या रिट कह सकते हैं, पांच याचिका जारी होती हैं, होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा अभी मैं सब बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। और पांचवा आपका होता है प्रतिषेध, और नहीं चौथा होता है प्रतिषेध, और पांचवा होता है उत्प्रेक्षण। ये आप क्या करिए तुरंत, अगर आगे देखना है इन सबको, तो अगर आपसे पूछेगा कि आप देखिए एग्जाम में जो होता है इससे ज्यादा रिलेटेड, इससे अधिक नहीं पूछेगा। अगर आप कहें तो मैं इसको क्या करता हूँ बता देता हूँ, अगर नहीं कहेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ नहीं बताऊंगा। चलिए आपको ये बताना है, मैं एक दे दिया आपका, चलिए देखते रहिए आप इसे। देखिए देखिए मैं आपको ये सब आता है पांच प्रकार के मौलिक अधिकार, तो ये सब होता क्या है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ, आके बताता हूँ इसको क्या आगे करना क्या है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम लेके चलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, नाम में ही छुपा है इसका बात। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब कोसी को अगर आप गिरफ्तार पुलिस करती है, इसका अर्थ होता है, अर्थ इसका क्या होगा, सशरीर, सशरीर पेश करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है या उसकी मृत्यु हो गई हो या किसी प्रकार से वो क्या भाग रहा हो, तो उसे अगर आप पकड़ लिए हैं तो उसे क्या करेंगे, आप उसे न्यायालय के सामने पेश करेंगे जिंदा या मुर्दा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को बंदी, यानी देखना नाम से ही क्या है, बंदी मतलब जो क्या है, कौन, बंदी मतलब जो बंदी बनाया गया है मर्तद, एक प्रकार से क्या होता है वो बताइए। बंदी का मतलब जो गिरफ्तार करके लाया जाता है व्यक्ति, अर्थात जिसे हम कहते हैं अभियुक्त, अभियुक्त को, अभियुक्त को प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने, करण मतलब लाना, यानी कि अभियुक्त को न्यायालय के सामने लाना अगर वो गायब हो गया। कौन गायब हो गया, अभियुक्त, उसके घर वाले क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ याचिका जाहिर कर देंगे, याचिका दर्ज करवा देंगे, कहां पर, याचिका जारी करवा देंगे, याचिका जारी करवा देंगे। ध्यान देखना मेरा बात कहने का मतलब क्या होता है, अभियुक्त यानी बंदी को क्या करना है, सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना है, अगर वो गायब होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सरकार के खिलाफ भी क्या कर देगी, सरकार के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर देगी। अब हम देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकेंड पॉइंट रहता है कौन सा, यहाँ पर ध्यान देना, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, परमादेश मतलब परम मतलब दूसरों को, मतलब देश, परम देश, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, और ये कौन आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इसको कहते हैं सर्वोच्च आदेश। अगर आपसे पूछेगा सर्वोच्च आदेश किसे कहते हैं, तो परमादेश को कहते हैं, ठीक है। हम आदेश देते हैं कि उसको क्या करो, हमारे सामने पेश करो। फिर क्या होता है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा आपको बता रहा हूं, अधिकार परीक्षा क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट ये आप कहते हैं कि अधिकार परीक्षा क्या होता है, आपको ये जानने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके बारे में पूरी बात तो जानी होगी कि आपको कहना है इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान से देखना इसमें ये होता है कि पर अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप किसी को अधिकार, आपको कौन सा अधिकार है कि इसका मतलब होता है, अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से
आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको कारण बताना पड़ेगा, कारण नहीं बताएंगे ना, देखना ध्यान से तीनों कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और कौन परमादेश और अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट को क्या है इसमें अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जारी कर सकती है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछता है कि कौन सी याचिका है जो सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो बंदी प्रतिक्षा परमादेश अधिकार पूछ। अब आता है प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। जब ये जारी कर देगा तो जो मुकदमा चल रहा होगा ना उस पर क्या करती है, इसे मिटा दें, समझ गए होंगे, मिटा दे रहा हूं। तो देखिए इस पर जो आपका अब आता क्या है, ध्यान रखना, जो प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या करते हैं, रोक लगाना, रोक लगाना अर्थात करती क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देती है कि जो आगे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं छोटे अपने कोर्टों के, यानी छोटे कोर्टों को जो होती है जिला स्तर पर, वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस पर रोक लगा देती है। किस पर, कि ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इनको रोक लगाओ। जब रोक लगती है तो जांच बैठ जाती है जिसे हम उत्प्रेक्षण कहते हैं। और उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेक्षण मतलब सुप्रीम कोर्ट जांच करने लगती है। और सुप्रीम कोर्ट जांच करने लगती है तो क्या करने लगती है, जान ही रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की खटिया खड़ी कर देगी। और जब खटिया खड़ी कर देगी तो इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिट, रिपोर्ट नहीं पोस्टमार्टम रिट या रिपोर्ट भी से कहते हैं, लेकिन हमें जानना है कि उत्प्रेक्षण को किस नाम से जानते हैं, तो पोस्टमार्टम रिट नाम जानते हैं। ये आपका था दोस्तों, और आपको ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अब आप बताएंगे और मैं आपका अनुच्छेद पूरा पढ़ा दिया, अनुच्छेद 32 से आपको लेकर, इसमें तीन अनुच्छेद जो बचे मैं कल आपको कहकर डिस्क्राइब कर दूंगा और इसके यानी कि वर्णन कर दूंगा, कल ये क्या होगा खत्म भी हो जाएगा, और इसके आगे हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे DSPC यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अब इसको क्या करें दोस्तों, आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोग क्या करें देख सके। और एक क्लास डेली मैं आपके 11 बजे लेकर आता हूँ, और आपके लिए क्या है, आपके एग्जाम में यानी कि आपका सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। मैं इस क्लास को आज यहीं पर विराम करता हूँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।